आज का प्रेरणा पाते पांच आज्ञा ही मोक्ष है। पांच आज्ञा ऐसी बाढ़ है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। वो आज्ञा क्या है? पहली दो आज्ञा है वो सम्यक दर्शन है। पहला रिलेटिव व्यू होता है, दूसरा रियल व्यू होता है। रिलेटिव व्यू का अर्थ ये हुआ कि कोई हमारे सामने जीवित प्राणी आता है तो हम समझ जाते हैं कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो देहधारी है, नामधारी है, पैकिंग है, तो हमने उसका एक व्यू पॉइंट दिया। दूसरा रियल व्यू पॉइंट लेते हैं तो हम समझने लग जाते हैं कि इनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूँ, क्योंकि इनके भीतर वही प्रभु है जो मेरे भीतर है, राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है और हम सब में है, पेड़ में, पौधे में। ये रियल रिलेटिव व्यू पॉइंट हुआ। और जितनी विभिन्नता दिखाई देती है वो सब अपने कर्मों की विभिन्नता के कारण अलग अलग शरीर है। और तीसरी होती है कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए इस जगत को चलाने वाला कर्ता है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। हम कर्ता न तो हैं, न हम कर्ता बन सकते हैं और न कोई कर्ता बन सकता है। तो हमें स्वयं को न कर्ता समझना, न किसी को कर्ता समझना। चौथा फाइलों का संभाव्य निपटारा करना, यानी जो हमारे जिसका हिसाब बाकी है वो राग द्वेष करे तो हमें उसे सहन करना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा निमित्त है, हमें NOC देने आया है, हमारा हिसाब क्लियर करने के लिए आया है, हमको मुक्ति की ओर भेजने के लिए आया। और अंतिम जो है वो है शुद्ध आत्मा के खाते में जमा करना रकम, जागृति रखना और अनुभव को बढ़ाना।